अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहनाज सिद्दीकी है। मैं क्वींसकर हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हमारा 50 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और हमारी स्पेशलिटी बेसिकली पीडियाट्रिक है एंड मटर्निटी है। हमारा 10 बेड का NICU भी है जो काफ़ी बेहतरीन है। उसमें 24/7 डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है। हमने अभी हाल ही में 800 ग्राम बच्चे को एकदम सक्सेसफुली मैनेज करके घर भेजा। हमारे पास NICU में बेहतरीन मशीनें हैं, लाइक प्री मैच्योर बेबीज़ के लिए हमारे पास इनक्यूबेटर्स हैं। हमारी OT की जो मशीनें हैं वो काफ़ी लेटेस्ट है और हमारी OT में हर तरह की सर्जरी आप करवा सकते हो और हमारी जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी बेहतरीन है विद अफोर्डेबल प्राइजेस के साथ। थैंक यू। मैं हूं अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुंबई के जोगसरी इलाके से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां एक निर्माणाधीन इमारत की चौथी मंजिल से अचानक एक लोहे की पाइप सीधा ऑटो रिक्शा पर गिर गई। उस समय ऑटो रिक्शा के अंदर माँ और बेटी सवार थी। इस हादसे में माँ की मौके पर ही जान चली गई, वहीं बेटी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान बेटी ने दम तोड़ दिया। दरअसल जब 28 वर्षीय सम्मा बानो आसिफ शेख और उनकी 7 साल की बेटी आयत स्कूल से घर लौट रहे थे, तभी वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे साल्यक अस्पताल के पास एक निर्माणाधीन भवन की चौथी या पांचवी मंजिल से एक भारी लोहे की पाइप ऑटो पर गिर गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने दोनों को जोगेश्वरी ट्रामा केयर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मां को मृत घोषित कर दिया गया और बच्ची को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया, जिसके बाद उसे अंधेरी स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और जोगेश्वरी थाने के वरिष्ठ निरीक्षक सतीश तावरे ने कहा कि वे लापरवाही का मामला दर्ज करने की प्रक्रिया में हैं। वहीं मां और बेटी जोगेश्वरी पूर्व के प्रताप नगर की रहने वाली बताई जा रही है, जहां महिला का पति दर्जी का काम करता है। जानकारी के मुताबिक यह घटना कल शाम करीब 4:15 बजे का बताया जा रहा है।